नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। डीएलएड बीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके प्रशिक्षु जो टेट सीटेट उत्तीर्ण कर चुके हैं, अभी तक उनके लिए शिक्षक भर्ती नहीं आई है। इसके विरोध में प्रशिक्षुओं ने आज काला दिवस मनाया और 97,000 शिक्षक भर्ती लाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन उपजिलाधिकारी को दिया। बुधवार को डीएलएड प्रशिक्षुओं ने जनपद के रसूलाबाद क्षेत्र में नए शिक्षक भर्ती जारी न होने से नाराज होकर काला दिवस मनाया और हाथ व सिर पर काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। तहसील मुख्यालय पर पहुंचकर डीएलएड बीटीसी प्रशिक्षुओं ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन उपजिलाधिकारी अंजू वर्मा को दिया है। डीएलएड संयुक्त प्रशिक्षु मोर्चा के जिलाध्यक्ष मोहम्मद हारून ने बताया कि डीएलएड बीटीसी प्रशिक्षु अपना प्रशिक्षण 2 वर्ष पूर्व कर चुके हैं और यूपी टेट सी टेट भी उत्तीर्ण कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश के विभिन्न प्राथमिक विद्यालयों में करीब 97,000 शिक्षक के पद रिक्त पड़े हैं। बावजूद इसके बीते 2 वर्ष से कोई नई शिक्षक भर्ती आई है, जिससे युवा प्रशिक्षु परेशान हैं और बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। संगठन के जिला उपाध्यक्ष कविंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार हम युवाओं के हित को ध्यान में रखते हुए अति शीघ्र 97,000 नए शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करे। यदि जल्दी विज्ञापन जारी नहीं होता तो हम सभी प्रशिक्षु आंदोलन के लिए विवश होंगे। वही विरोध करने वाले में प्रमुख रूप आशुतोष त्रिपाठी, अभिषेक तिवारी, रश्मि कुशवाहा, अजीत सिंह, हरिओम शर्मा, सौम्या सिंह, शिवम दुबे, अशहर खुर्शीद, कुलदीप सिंह, ज्योति त्रिवेदी, ऋषि कुमार आदि लोग उपस्थित रहे। और सरकार से हमारी यही मांगे है कि 97,000 नई शिक्षक भर्ती जल्द से जल्द विज्ञापन जारी किया जाए। हम प्रशिक्षु 2 साल से अधिक समय से प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए हैं और अब कोई सरकार ने अभी तक नहीं दी है। और ये सरकार की तानाशाही समझ लो या कुछ भी समझ लो, हम लोग बराबर शिक्षक है, रोज मुद्दा ट्रेन करवा रहे हैं, लेकिन सरकार के अंदर जू नहीं रेंग रहा। अभी तक कोई सरकार ने अभी तक ऐसा कदम नहीं उठाया है और ना कोई भी शिक्षक भर्ती के लिए कोई विज्ञापन जारी किया गया है। 51,150 शिक्षक भर्ती के लिए सरकार ने एससी को याचिका भी फाइल कर दी है, लेकिन इसके लिए अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। यही मांगे हैं कि जल्द से जल्द 97,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन दिया जाए, जिससे हम प्रशिक्षु बेरोजगार होने से बच जाए। 5 लाख से अधिक प्रशिक्षु बेरोजगारी की चपेट में है और 2 जून की रोटी भी हम लोग नहीं कर पा रहे हैं।